Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Anna Wintour. Anna Wintour, no. Walaikum salam, Hassan. I said, you have glasses out of your glasses, so I'm going to do one shade darker. I'm going to do something in change. Yeh len ji, Hassan bhi ban gaye hain. My name is Bond. Hassan Bond. James Bond. उतार दे अब, मतलब इंडोर पहन के रखेंगे आप जी। लग बड़ी प्यारी थी जी, नो डाउट अबाउट इट आमना, नो एब्सोल्युटली नो डाउट, ब्यूटीफुल। अच्छा एक सेकंड, लोग आपका भी चेहरा देख लेना ग्लासेस के बगैर, कितना खूबसूरत नूरानी चेहरा, और अब कितना बेहतर लगता है विद माय ग्लासेस। ये लें जी, बेहतर नहीं है आमना, अल्लाह ने जो शक्ल बनाई ना वो सबसे प्यारी शक्ल बनाई इंसान की। जी हसन, पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा जो डिस्कशन थी पिछली हमारी हॉट रिव्यू की, वो लेसिक के ऊपर चली गई, लोगों ने हमें डॉक्टर्स के रेफरेंसेस भी भेज दिए, बहुत क्यूट है, थैंक यू वेरी मच, ऑनेस्टली मींस अ लॉट। बट मेरा ऑनेस्टली कोई इरादा नहीं है लेसिक कराने का, और मेरा नहीं ख्याल आमना कभी कोई है इरादा। जी बिल्कुल इरादा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा, मुझे डर लगता है आंख के करीब भी कोई चीज जाए, और लेज़िक आई एम श्योर अनकंफर्टेबल तो होगा। हाँ, जिन जिन बट ज्यादा मेजॉरिटी ने ये बोला कि उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। अच्छा था जी, बिल्कुल। और कुछ कुछ लोगों ने ये बोला कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं भी था, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की होती है कि आप लोग इतना, जो भी हम बात करें, जो भी हमारा कॉन्टेंट हो, उसके साथ इतना इंगेज्ड रहते हैं, सो दैट रियली मेक्स अस वेरी 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 हैप्पी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जी हसन, आज हमारा जो हॉट बाइट का सेशन है, हॉट बाइट नहीं, हॉट बाइट्स है, पहले तो ये आप क्लैरिफाई कर लें। तो आज जो हमारा हॉट बाइट्स का सेशन, कितने बाइट्स हैं आपके आज के लिस्ट में? कोई मेरे ख्याल में तीन या चार टॉपिक है, चार जी, चार टॉपिक है, और मैं हर टॉपिक के साथ आपको डिस्क्लेमर भी देता जाऊंगा, क्योंकि वो लोग जो नाराज हो जाते हैं कि आपने इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात की और उस टॉपिक के ऊपर क्यों बात नहीं की, वो हमसे नाराज ना हो और उनको बताओ। तो एक जो टॉपिक है वो ये है, फिरोज खान बीइंग अ बिग 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 स्टार, उनकी और उनकी वाइफ की सेपरेशन को लेके बहुत सारे रूमर्स फ्लोट कर रहे हैं जी। हमें पर्सनली अगेन हमारे व्यूवर्स ने रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के ऊपर भी, और उन्होंने बोला कि आप बताएं जी कि किस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। आमना एज यू नो इज फ्रेंड्स विद फिरोज, वेरी क्लोज टू फिरोज, गहरा ताल्लुक है आमना का फिरोज के साथ जी। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, without going into any speculation, because you know we don't do that, we also don't like talking about celebrities' personal lives, but like with Urva and Farhan and with Firoz and Alize, because there's so much interest, और हमारे viewers हमें इतना पूछ रहे हैं, तो हम सिर्फ आपके साथ information share करेंगे जो हमारे पास। अच्छा अभी आप पूरा reveal कर रहे हैं या अभी आप list कर रहे हैं? नहीं नहीं अभी मैं intro दे रहा हूँ। अच्छा ये intro है? जी जी, ये तो अभी intro है। तो पहली बात ये हो। दूसरा हम बात करेंगे, आमना सजल अली जो थी उन्होंने डियाफा अटेंड किया, दुबई में एक इवेंट हुआ, अवार्ड्स अवार्ड शो था, वहाँ पे उनको अवार्ड भी किया गया, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। देन देयर इज अ बर्थडे पार्टी हेल्ड लास्ट वीक, देयर वाज अ बर्थडे पार्टी वीकेंड ऑन द वीकेंड, जो कि थी एमन खान और मिनाल खान की बर्थडे पार्टी, उसके ऊपर हम क्या बात करना चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और फाइनली चौथा टॉपिक जो है वो है बख्तावर भुट्टो जरदारी की इंगेजमेंट। तो पिछली बार जिन लोगों ने कंप्लेन की थी कि वो इस तरह की टॉपिक को नहीं देखना चाहते, उनको हम पहले से बता रहे हैं कि आप वो पार्ट स्किप कर दिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स थे जिन्होंने ये भी कहा था कि वो सुनना चाह रहे हैं बख्तावर भुट्टो जरदारी के बारे में और उनकी, क्योंकि हमने तो पॉलिटिक्स के ऊपर तो बात नहीं करनी, आमना ही एक्सपर्ट है हमारी, फैशन एक्सपर्ट, जो कि उनके कपड़ों के ऊपर अपना तज्जिया देंगे आप। जी तो ये हो गए आज के चार टॉपिक्स जिनके ऊपर बात होगी इस छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। हाँ जी, हाँ जी हसन, आप किस टॉपिक से? मैं आपको ये पूछने लगी थी कि आप किस टॉपिक से शुरू करना चाहेंगे। एक्चुअली रिवर्स में चल लेते हैं, ठीक है, ताकि जिन लोगों को स्किप करना है वो शुरू में स्किप कर लें और उनको वेट ना करना पड़े, और जिनको सुनना है वो भी सुन लें। तो लेट्स टॉक अबाउट बख्तावर भुट्टो जरदारी की एंगेजमेंट। जी हसन, 27th को उनकी एंगेजमेंट थी कराची में, और द वाइडेस्ट स्पेकुलेशन वाज कि व्हाट विल शी वेयर, एंड लोगों ने कहा ओ यू नो शी इज गोइंग टू गो टू बंटो काज़मी, कईयों ने कहा नो शी इज गोइंग टू गो बैक टू फाइजा समी, बिकॉज़ फाइजा ने बेनज़ीर के बहुत सारे वेडिंग आउटफिट्स बनाए थे, और हसन ने ये कहा था कि वो अपनी मदर की लुक रिक्रिएट। जी हसन ने कहा था कि वो अपनी मदर की लुक रिक्रिएट करेंगी, तो उन्होंने इस सब में से कुछ नहीं किया।
अच्छा नहीं क्या? नहीं मैंने वो पोस्ट देखा था जो वो बीबी की बीबी, अच्छा कुछ लोगों ने आमना कहा कि आप बेनजीर को बीबी क्यों कहते हैं, भाई उनके इनिशियल्स हैं। नहीं उनको बीबी ही कहते थे उनको बीबी में, उनको बीबी कहते थे। अगर आपको इस बात से तकलीफ है कि बेनजीर भुट्टो को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं आप, जो कि मुझे बात समझ में नहीं आती, तो फिर आप ये समझ लें कि मैं उनके इनिशियल से उनको पुकार रहा हूं जो कि हैं बेनजीर भुट्टो बीबी। सो नहीं बीबी उनको उनकी जिंदगी में भी कहते थे, दैट्स हाउ शी वाज एड्रेस्ड। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनका लुक बिल्कुल अपना था, यूनिक था, एंड इट वाज एन आउटफिट डिजाइन बाय निदा असफर। एक्चुअली मैंने मुझे नहीं पता था कि निदा ने ये बनाया आउटफिट। जब मैंने शॉल देखी और निदा का एक बड़ा स्टाइल है, शी मेक्स दीज जामेवार शॉल्स विच आर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, उन पर पूरा मुगल सीन्स होते हैं और पोर्ट्रेट्स होते हैं, मिनिचर्स होते हैं, मिनिचर शॉल्स हैं, बहुत ही हसीन। मैंने शॉल देखी तो मुझे लगा कि ये निदा की शॉल है, फिर मुझे बाद में किसी ने कन्फर्म किया कि जी ये निदा ने ही उनका आउटफिट बनाया था। मेरी बात नहीं हो सकी निदा से, आई थिंक शी इज़ वेरी बिजी। बट ये हम ऐसे तो नहीं ना कहते कि आमना का फैशन से गहरा ताल्लुक है, देखिए उन्होंने सिर्फ शॉल देख के बता दिया कि किस। हाँ नहीं शॉल देख के मुझे लगा था, बिकॉज कुछ लोग हैं जो बनाते हैं मुगल मिनिएचर्स की हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स ऑन जामेवार सिल्क, तो उनमें से निदा एक हैं, तो मुझे लगा कि ये निदा की शॉल है और निदा की ही वो निकली। जहाँ तक आउटफिट की बात है, द कलर वॉज ब्यूटिफुल एंड शी लुक रियली गुड, शी लुक ब्यूटिफुल। आई थिंक इट वॉज अ वेरी सेफ ऑप्शन, कि बहुत ही टेम सा पिंक था, इट वॉज स्लाइटली मच्योरर देन हर ईयर्स। पर्सनली आई वुड हैव लाइक्ड टू वेयर समथिंग अ लिटिल मोर यंगर, अ लिटिल मोर यूथफुल, मगर मैं ये समझती हूँ कि जहाँ वो पब्लिक आई में हैं और एक पोलिटिकल फिगर बनने जा रही हैं, या शी कम्स फ्राम सच ए पोलिटिकली हैवी फैमिली, शी हैज़ टू कीप दैट इन कंसिडरेशन। वो रेकलेस ड्रेसिंग नहीं कर सकती थी। अच्छा व्हेन यू से यूथफुल, जी क्या उसको प्लीज थोड़ा एक्सपैंड करें उसके ऊपर? मतलब इट वॉज वेरी एनगल्फिंग द आउटफिट। Were you saying in terms of the color, it could have been like some... नहीं कलर बहुत प्रिटी था, कलर बहुत प्रिटी था, लेकिन उनका बिल्कुल जो था ना, जैसे उनका दुपट्टा था, फिर उसके ऊपर चादर थी, फिर वो शर्ट कहाँ शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, उनका लहंगा था या घघरा था या मुझे नहीं समझ आई, आई थिंक लहंगा ही होगा। इट वॉज ऑल वेरी एनगल्फिंग। ओके, इट वॉज लाइक दी आउटफिट वॉज वेयरिंग हर एज अपोज टू हर। वो तो उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो शी काइंड ऑफ यू नो शाइन, या वॉज शाइनिंग थ्रू इट। अदरवाइज आई फेल्ट इट वॉज वेरी ऑल एनगल्फिंग। कोई लाइटर होता कहीं से, कुछ थोड़ी सी यू नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, बट आई जस्ट फेल्ट इट वॉज ओवरवेलमिंग। ठीक, द आउटफिट वॉज ओवरवेलमिंग। आई अंडरस्टूड एंड आई एम श्योर द व्यूअर्स हैव जी। अच्छा आपको आगे समझ जी, मुझे फिर आगे होगी बाकी। इट वॉज अ बिट ओवरवेलमिंग, बट आई अंडरस्टैंड जहाँ से वो आ रही हैं, जो उनकी है पोजिशन इन द पार्टी, एंड एज बेनजीर डॉटर एंड एज फॉर्मर प्रेजिडेंट्स डॉटर एंड फ्रॉम अ वेरी पोलिटिकल फैमिली, शी हैड टू ड्रेस सेफ, शी हैड टू ड्रेस मॉडेस्टली, शी हैड टू इंश्योर कि यू नो कोई सब बॉक्सेस टिक हो जाए। वो होए डायमंड का सेट था उनका, वेरी प्रिटी। सो या And about the groom, the fiance, he was dressed in white. So, काफी उनका भी बहुत classic था. Straightforward और वो था. Very straightforward. But I think they went for that classic look. जी बिल्कुल. You know, you can't go wrong with that, I suppose. It was a classic aristocratic look. हाँ. कि जब उनकी वो जो दरख के सामने तस्वीर थी, जिसमें वो बैठी हुई है, वो खड़े हैं साथ. बीबी की तस्वीर जो पीछे लगी. Exactly. तो वो तस्वीर है जो कि enlarge हो के घर में frame बड़ा सा लग के, you know, ये. तो वो उस वो सदियों जो चलती है, हाँ जी हाँ जी, ये हमारे दादा और दादी जिसके पोर्ट्रेट भी बन जाते हैं, पेंटिंग्स भी बन जाती हैं, ये वो टाइप ऑफ चीज थी। तो इट वाज अ, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, इट वाज अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक लुक। ठीक हो गया जी। एंड द सेटिंग वाज नाइस, ऑब्वियसली ब्लावर हाउस के अंदर उन्होंने किया, आउटडोर इवेंट था, जी जी, एवरीबॉडी लुक्ड नाइस, इट वाज अ गुड डे काइंड ऑफ एन इवेंट एंड वी वेंट वेल। आई मीन द बख्तावर हु यूज्ड टू रैप इन इंग्लिश, this was not that young girl anymore, right? She's grown up, and of course it was, yeah. ठीक है. Congratulations to the happy couple. We wish them a lifelong, a life filled with happiness and love. जी बिल्कुल. And togetherness. बिल्कुल, बिल्कुल. Moving on to Sajjal and Diafa. जी हसन, तो what does Diafa stand for? मैंने यहाँ में ये लिखा है यहाँ पे. Diafa stands for Distinctive International Arab Festivals Award. Arab Festivals Award. Right. It is not Dubai International Award. Just because it's held in Dubai. Right, right, you right. think that it's like, मतलब Dubai something, but it's जी, not. तो इस पे पिछले साल Diafa पे अवार्ड मिला था मायरा खान को. जी. और इस साल उन्होंने बुलाया सज्जल अली को ऑनर करने के लिए. And I was very happy to see Sajjal on an international stage and you know,
nobody more deserving. Of course, it's a moment of great pride for us. क्योंकि पिछले साल हमारी ही देखें और खुशी की बात ये कि this is our female stars. जी. पिछले साल मायरा खान गई, इस साल सजल अली गई, तो girl power, good for us, good for our industry, good for our country's image. जो हम पिछले हॉट बाइस में भी बात कर रहे थे कि सॉफ्टर इमेज जो हमने प्रमोट करनी है अपने मुल्क की दूसरी जगहों पे, तो you know, I have a problem with the term softer image, but that can wait. That we can discuss that. That can wait. Yeah. तो 365 days के जो main lead हैं मिशेल, अगर उनका नाम मैं सही से pronounce कर रहा हूँ, मैंने क्योंकि देखा नहीं है नाम. 365 days क्या है? मूवी है, आई थी Netflix में, बड़ा ट्रेंड करी थी लॉकडाउन में. अच्छा, अच्छा. मुझे उसके कंटेंट के बारे में नहीं पता, मैंने देखी भी नहीं है. अच्छा अच्छा. एनीवे, सो वी डाइग्रेस. सो द पॉइंट इज कि वो भी थे वहां पे, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सजल एंड हिम वर सीटेड ऑन द सेम टेबल. एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज ही बिकेम लाइक एन ओवरनाइट सेंसेशन व्हेन द 365 डेज हिट. ऐसी फिल्म कोई भी करेगा ओवरनाइट सेंसेशन. आई मीन तो जी, और उसके बाद फिर सज्जल को अवार्ड मिला, सज्जल स्टेज पे गई, उन्होंने वहाँ पे अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच जो थी वो भी डिलीवर की, सबका शुक्रिया अदा किया, फैंस का शुक्रिया अदा किया, और इस बात को एक्नॉलेज किया कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको अवार्ड किया जा रहा है. एंड शी इज वेरी हम्बल्ड एंड वेरी एंड माय एक्चुअली आई वाज वेरी प्राउड ऑफ सज्जल एंड माय हार्ट वेंट आउट टू हर बिकॉज सज्जल इज नॉट कंफर्टेबल विद पब्लिक अपीयरेंसेस और खासतौर पर पब्लिक स्पीकिंग के साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो भी एक फॉरेन कंट्री में, वो भी एक फॉरेन लैंग्वेज में. एंड दैट इज ओके एंड दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली या या यू शी वाज नॉट काइंड ऑफ इन कंट्रोल, यू नो शी वाज अ लिटिल थोड़ा, मुझे लग रहा था जैसे कि कोई एक कोई बच्चा अवार्ड लेने जा रहा है. आई फेल वेरी प्राउड ऑफ, आई फेल वेरी मटर्नल एक्चुअली कि वो अपना अवार्ड लेने जा रही है. एंड वेल डन. आई मीन डज एनीबॉडी डिजर्व इट मोर देन हर? नो, आई मीन नो, ऑफ कोर्स नॉट. Would you like to comment on her power suit as well? थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोगों ने criticize भी किया है कि ill-fitted था. Power suit थोड़ा off था. Power suit बड़ा off था. अब मुझे पता है सज्जल likes to wear suits and looks good in them. उन्होंने मेरे ख्याल मॉम का प्रीमियर हुआ था, उस पर भी एक मुझे जहाँ तक याद आता है एक सूट पहना हुआ था. It was very sharply cut. Her heels were visible and बड़ा वो बहुत अच्छा सूट था. इसमें यह था कि it was a bit oversized. Okay. I did feel it was a bit oversized. Because Sajal is a very petite girl. Yeah. So I don't know why it was oversized. Of course, हमारी जो over क्या कहते हैं active population of social media enterprises हैं, वो उन्होंने कहा कि जी वो expect कर रही हैं तो वो छुपा रही हैं. हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये बात हो, but I mean we don't know. But yeah, it was a bit oversized. ठीक है. And about her hair? Hair was beautiful. Hair looked fine. Yeah, yeah. Hair looked great with her suit. Yeah. Her look was, I mean, her face was beautiful. I just felt the suit was a little large size. एक size बड़ा था. ठीक है, ठीक है. और इसका कोई भी वजह हो सकती है जो कि हमें नहीं पता, जो कि सजल को पता होगी. But इस topic के ऊपर जब हम आए हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे आमना की आपने Hot Bites देखी थी सादिक के साथ, जो कि हमारे दुबई की correspondent हैं. सादिक अपना नया program शुरू करने जा रहे हैं कल से, which is called My Dubai Life. माय दुबई लाइफ की पहली एपिसोड जो कि कल आप देखेंगे शाम को 8 बजे विल बी ऑन सजल्स अपीयरेंस एट डियाफा. सादिक हैज स्पोकन विद सजल. सादिक जी जितने चीते हैं उन्होंने वहां डियाफा पे वो थे ऑब्वियसली, और उन्होंने सजल से बात भी की, और आपके लिए कल ये पेशकश हम लेके आएंगे. ये एक्सक्लूसिव कंटेंट जो कि शायद आप को और किसी प्लेटफॉर्म पे ना मिले, हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं. मगर एक दफा हम जब इसको एयर कर देंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा, इसलिए कि चोरी हो जाता है कंटेंट. हो जाता है जी. कोई बात नहीं, हम बिलीव करते हैं कि लोग मिलजुल के काम करें. हाँ जी, एज लॉन्ग एज हम सबसे पहले ब्रेक देखें. तो कल आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा. सादिक की सजल से बात भी हुई है रेड कार्पेट के ऊपर, और भी डीएफए में जो और भी दूसरे लोग आए थे, क्या हल्ला गुल्ला हुआ वहाँ पे, क्या क्या माहौल था रेड कार्पेट के ऊपर, और क्या सेलिब्रिटी से, तो सारी बड़े मजे की वीडियो कल आपको इंशाल्लाह 8 बजे देखने को मिलेगी. जी हसन, मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक व्हिच इज एमन एंड मिनाल्स बर्थडे. जी जी, व्हाई डिड वी वांट टू टॉक अबाउट इट? बिफोर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दिस इवेंट आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर, नॉट बिकॉज आई फील दैट ओ हमें कोई मिसअंडरस्टैंड करे, बट सिर्फ इसलिए कि लोग ये ना समझें कि हमारा कोई एमन और मिनाल के साथ कोई बायस है. नॉट एट ऑल. मैं तो उल्टा, लोग कहते हैं कि आई एम रियली टू फॉन्ड ऑफ मिनाल. यस, मिनाल के साथ जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंसेस की बात है, आई मीन मिनाल इज डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब इन जलन.
इसकी कोई डाउट नहीं है, हम हर एपिसोड में उनको प्रेज भी करते हैं। जहाँ तक एमन और मुनीब की बात है, मैंने उनका इतना काम नहीं देखा, मुनीब का देखा है इन एक तो वो कैसा है नसीबा और आजकल जो थोड़ा बहुत आ रहा है। दे मेक अ ब्यूटिफुल कपल, दे मेक अ ब्यूटिफुल फैमिली, इतना प्यारा ही उनकी बेटी भी है। देयर सोशल मीडिया सेंसेशंस, आई मीन इन तीनों की मिला के कितनी कोई 15-1 मिलियन तो फॉलोइंग होगी, सपोज ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा ही होगी, 8-8 मतलब हाँ 15-1 मिलियन फॉलोइंग तीनों की मिला के। सो देर डेफिनेटली अ पावर फैमिली, ऑल ऑफ दैट। नाउ इट्स बिकॉज दैट दे आर सच अ बिग पावर फैमिली और इनकी इतनी फॉलोइंग है, इसका मतलब है इतने वो इन्फ्लुएंशियल हैं। ये जो उन्होंने बर्थडे पार्टी की ना इस वीकेंड पे, और जितनी वाइडली उसको पब्लिसाइज किया ऑन इंस्टाग्राम, मुझे उस पर इतराज था। ठीक हो गया, मुझे इस पर इतराज़ ये नहीं था कि आप बर्थडे पार्टी अपनी पब्लिसाइज कर रहे हैं। आई मीन आपको पूरा हक है आप करें, या बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कर रहे हैं। हसन, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ब्रोक यस्टरडे दैट 100 हेल्थ वर्कर्स हैव डाइड डीलिंग विद कोविड पेशेंट्स, यू नो, और रोज़ाना हमारे नंबर्स जो हैं वो राइज कर रहे हैं, रोज़ाना डेथ्स ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, स्पाइक कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। आपको हो चुका है, मुझे कॉन्स्टेंटली डर होता है कि हो ना जाए, हम लोग कहीं नहीं जाते मास्क पहने बगैर, लोगों से नहीं मिलते, सैनिटाइज करते हैं ये वो, और डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मेरा प्रॉब्लम बर्थडे पार्टी से नहीं था, मेरा प्रॉब्लम सॉन्ग एंड डांस से नहीं था, सेलिब्रेशन से नहीं था, बट आज कल के वक्त में जब एक सेलिब्रिटी कपल है, फैमिली है, जिनके 15 मिलियन लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि यार हम पार्टी कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, टाइट क्लोज स्पेस है, उसमें डांस हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, याशी हो रही है, ज़बरदस्त मज़े आ रहे हैं, वॉट हैपन टू दैट डार्क क्लाउड दैट इज़ हैंगिंग ओवर एवरीबडी? आई थॉट इट वॉज वेरी रेकलेस ऑफ देम टू डू इट। आई थिंक आमना सेड इट ऑल, और बड़ी ये बेसिक सी बात है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमन हो, मिनाल हो, या मुनीब हो, या और जितने लोग जो काफ़ी सारे और सेलिब्रिटीज़ भी मैंने देखे जो उस इवेंट पे गए थे, यू आर ऑल इन्फ्लुएंसर्स, पीपल लुक अप टू यू, आप लोगों के फैंस हैं, आप लोगों की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं थी कि अगर उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा सकता था। बर्थडे का किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आमना ने जैसे कहा आप बर्थडे मनाएं, और अगर आपने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाना था तो SOPs का ख्याल करते हुए वो भी कर लेते, थोड़े अरसे बाद शायद बर्थडे पार्टी कर लेते। मुझे नहीं पता कि शायद उन्होंने जिसको बुलाया क्या उन सबके टेस्टिंग करा के पहले सबके नेगेटिव टेस्ट आ गए तो तब आप इकट्ठे हुए, आई डोंट नो। एक और भी चीज़ है, आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, आई मीन आज से 10 साल पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, आप बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, करें उसको इंस्टाग्राम पर ना डालें फिर, बिकॉज इंस्टाग्राम पर डाल के आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील दैट विद सोशल मीडिया फॉलोइंग मैनी ऑफ आर सेलिब्रिटीज हैव गॉटन द पावर बट दे डोंट रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट। और ये दोबारा बात आमना ने अभी जो की कि अगर बर्थडे पार्टी करें तो इंस्टाग्राम पर ना लगाएं, ये आम हालात की बात नहीं हो रही, कोविड टाइम्स की बात हो रही है। अगर चलो आपने कर भी ली और आपने इस होता ना कि यार कि वी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम कर रहे हैं हमारी मर्जी, सारे अडल्ट्स हैं, कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं, वो भी गलत है, लेकिन कम से कम चलो वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, जो आ रहा है उसको पता है, जो नहीं आ रहा उसको भी पता है, सबको पता है, और वो फिर आपने लगाई नहीं, इन्फ्लुएंस ना हो ताकि सारे, तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो दैट इज योर मर्जी, वो आप करें। वह जब उसको आपको पब्लिक डोमेन में ले आते हैं, पब्लिक स्पेस में ले आते हैं, फिर हमारा भी राइट बन जाता है उसके ऊपर कॉमेंट करने का, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप पब्लिक फिगर्स हैं, आपके एक्शंस मैटर करते हैं, आपके एक्शंस हमें भी मैटर करते हैं, आपके एक्शंस आपके मिलियंस ऑफ फैंस को भी मैटर करते हैं। देखिए हसन, एज एन इन्फ्लुएंसर आप खुद से जो चीज़ लगा रहे हैं अपने फीड पे उसका एक पर्पस है, वो बगैर पर्पस से कोई नहीं लगाता। अगर कोई तस्वीर लीक हो जाए आपकी या कोई आपसे पूछे बगैर आपकी लगा दे, बहुत चीज़ है, बट अगर आप लगा रहे हैं तो उसके पीछे एक पर्पस है, तो ये इसको दिखाने का क्या पर्पस था पूरी दुनिया को कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बर्थडे इन दिनों में? एंड आई एम्फसाइज, वी आर बोथ एम्फसाइजिंग ऑन द टाइम, दीज आर कोविड टाइम्स, व्हाई वुड यू पब्लिसाइज एग्जैक्टली फ्रैटरनाइजिंग एंड पार्टीइंग इन कोविड टाइम्स? आई मीन बट आमना जी, ये ना सिर्फ एमन और मिनाल की बर्थडे तक बात नहीं है, हमने देखा भी PSL हुआ, ठीक है वो भी एक इवेंट था ना, हुआ वो, आप लाख बोले कि जी हमने SOPs का इत्तमाम किया और हमने ये किया और हमने वो किया, but the fact of the matter is you did gather a whole lot of people. एक फर्क है। क्या फर्क? एक फर्क है इसमें,
फ़र्क ये है कि देखें हसन, कुछ रूल्स तो हर बंदा बैन करता है, हम भी कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, मास्क लगा के आए, सैनिटाइज भी किया, रूल थोड़े बहुत बेंड होते हैं, रोजी रोटी तो लोगों ने कमानी है ना। आप ये देखें PSL से कितना काम जनरेट हो रहा है, लोगों को, लोग अपनी रोजियां कमा रहे हैं, एक पार्टी से भी एक हद तक तो हो रहा है, लेकिन पार्टी करना तो फिर इज नॉट ब्रेड एंड बटर, इट्स एसेंशियल। वही बात है ना, आप ट्रैवल लोग कर रहे हैं काम के लिए, वो तो करना पड़ रहा है, यू आपको एसेंशियल है ना वो तो लाइवलीहुड, मगर नहीं, ये तो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, जो एसेंशियल्स हैं उनके टाइमिंग्स अलग हैं, उनकी चीजों, मगर आप हॉलीडे पे तो नहीं जाने वाले ना इन दिनों में, ये ठीक है, बिल्कुल फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट के हाँ, कि आपने ये देखना है कि एसेंशियल एक्टिविटी है या नहीं। अब जैसे शादियों की बात है, मेरे ख्याल में शादियां लोग छोटी भी कर सकते हैं इस वक्त, बिल्कुल वही जो बात है, कर भी रहे हैं, घर पे भी किए हैं, सेलिब्रिटी वेडिंग्स हुई हैं जो घर पे उन्होंने निकाह करके और कर लिए, तो अगर इतनी जरूरी शादी है, ये नहीं कह रहा कि नेसेसिटी नहीं है शादी, तो फिर आप बड़ा इवेंट ना करें शादी का, बट हम अभी भी देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं, ढोलकियां हो रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, 400-500 लोग इकट्ठे हुए हैं, सो अच्छी बात नहीं है। और ये दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिन एंड मिनाज बर्थडे, बट जनरली ऑल्सो दैट यू गॉट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, कुछ लोगों को माइल्ड होता है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग हैं उनको बहुत सीवियर भी होता है, एंड देन ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल डाई एज वेल, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली। जी बिल्कुल, आप सिंपल यही बात है, ठीक है, बात है। अच्छा, एक और बात जो मैंने और वीडियो के शुरू में की, मिनाल की एक पिक्चर उन्होंने लगाई उनके बॉयफ्रेंड के साथ, मुझे नहीं पता कि उनकी मंगनी हुई है या नहीं हुई, बट जो उनके बॉयफ्रेंड, उनके साथ पिक्चर लगाई, और उसके ऊपर बहुत बातचीत शुरू हो गई, एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग कि वो उन्होंने शादी से पहले इतनी इंटीमेट पिक्चर लगाई। नूर बुखारी जो कि हमारी एक्ट्रेस हैं, कितनी इंटीमेट थी तस्वीर, वो चला देते हैं हम, अच्छा आप भी देख लें और लोग भी देख लेते हैं जी, देख ली होगी आपने भी, मैं आपने मुझे दिखाई है तो मैंने देखी है, इससे पहले मैंने बाकी नहीं तो देखी कैसी थी। है आपको क्या पिक्चर, मतलब ठीक है वो, क्या मतलब ठीक है, हम क्या जज करें, हम कौन होते हैं मतलब किसी को जज करने वाले, लोगों का अपना अपनी जिंदगी है, अपने मोरालिटी है, अपने उनके मॉरल कंपसेस हैं, छोड़ दिया करें कभी कभी लोगों को उनके हाल, मतलब सरबत और उनके हस्बैंड फहद इटली गए थे, वो शादीशुदा हैं, उनको लोगों ने नहीं इंटीमेसी बख्शी और कहा कि वो क्यों ऐसी तस्वीर लगाई, ये शादीशुदा नहीं है, इनको भी नहीं बख्श रहे, तो मैं जहाँ तक रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर्स, मेरे ख्याल है मोरालिटी पर नहीं जज करना चाहिए, हर एक की मोरालिटी के लैंडमार्क्स फ़र्क हैं, उनको छोड़ दें, उनकी पर्सनल लाइफ को छोड़ दें, अमाल और उन अमालों की सज़ा और जजा उन लोगों पे छोड़ दिया करें, और जो उनका और उनके अल्लाह का मामला उस पे छोड़ दिया करें जी, मेरे ख्याल में, और वो बंदा तनकीद करे जिसका अपना ज़मीर और अपनी ज़ात ऐसे शीशे की तरह साफ हो ना, वो अगर करे, क्योंकि देखें आमना ने बड़ी अच्छी बात की कि हम सब में से ऐसा को है ही नहीं कि जो फ्लॉलेस हो, मेरे में भी फ्लॉज होंगे, आमना में भी फ्लॉज होंगे, आप लोगों में भी होंगे, कहीं ना कहीं हम लोग भी डगमगाते होंगे, हम लोग भी लाइन के इस तरफ चले जाते होंगे, तो जरूरी नहीं है कि, और अगर हो जाते हैं तो अगर हम खुद रियलाइज कर लेते हैं और वो बिटवीन, इट्स बिटवीन अस एंड अल्लाह, तो यू नो वी आर आंसरेबल फॉर दैट, आई डोंट थिंक ये कोई इतना मैटर जरूरी है कि जिसके ऊपर इतने बड़ी कंट्रोवर्सी है क्रिएट हो गई और प्लेटफॉर्म ने भी शेयर करना शुरू कर दी, और फिर जैसे नूर ने और भी कमेंट, ऐसी है कि कोई भी लोग आके बातें कर रहे हैं, वही बात है ना कि मतलब किसी को किसी की मोरालिटी के बारे में क्या पता, देखने वाले को लगे हो 900 चूहे मार के बिल्ली हज को निकली, तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, आप आगे क्या कर रहे हैं, कब आप में टर्न आया, कब आपको एहसास हुआ कि आप गलत कर रहे हैं, अब आप सही करना शुरू करें, ये बड़ी पर्सनल जर्नी है, और हर इंडिविजुअल को हक है वो अपनी जर्नी गुजारे, उसको माफ़ करना, उसको सज़ा देना, ये सब अल्लाह के हाथ में है, और अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं ज़रूर राय दें, ज़रूर सही गलत बताएं, सोशल मीडिया पे ट्रायल करना और ये कहना कि हा हाय करना, ये हा हाय ब्रिगेड जो है ना, ये नहीं मुझे अच्छी लगती बिल्कुल। मैं देख रहा था नूर ने फिर ये भी कहा कि इट वाज अ जस्ट अ कमेंट, इट बिकेम अ न्यूज, तो ऑब्वियसली न्यूज तो बनेगी फिर नूर, जब आप कमेंट करेंगी, ऑब्वियसली आप एक बड़ी अदाकारा नहीं है, आपका कमेंट मैटर करता है, वही बात आती है आमना, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग ये नहीं सोच सकते कि आपके कमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होता, कमेंट का इंपैक्ट नहीं जी, आपको पता है आपको इंपैक्ट होता है तभी आप कमेंट करते हैं, बिटवीन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज ऑलवेज एन अर्ज फॉर हेडलाइंस एंड हाउ टू स्टे इन द न्यूज, एंड दिस इज अ ग्रेट वे फॉर पीपल टू स्टे इन द न्यूज, कि आप कमेंट करते रहे किसी पे, ना क्या करें, छोड़ दिया करें, जाने दिया करें, जाने दिया है, कुछ जाने दिया करें यार, कुछ छोड़ दिया, लाइफ एंड डेथ की जहाँ तक बात है, कोविड की बात है, वो हमने की, इट इज अ लार्जर पिक्चर कि यार हेल्थ लोगों की हो रही है, बट ये बिल्कुल फर्क चीज है। मूविंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक जी, फाइनली फाइनली जी, व्हिच इज
So Amna, again with even with Firoz's case, nobody has said anything officially. जी. उर्वा और फरहान की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब उनकी खबर आई तो एक रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म था दीवा जिसके ऊपर खबर लगी जी. और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी कि पीआर की तरफ से आई गई और इस तरह की बड़े प्लेटफॉर्म पे खबर कंसेंट के बगैर नहीं लग सकती जी. अब वो कंसेंट क्यों था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक अलग बात है. बट इन दिस केस फिरोज और अलीजे के केस में किसी बड़े रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म पे ये खबर नहीं लगी. नहीं. अगर किसी प्लेटफॉर्म ने खबर चलाई भी है तो क्वेश्चन मार्क के साथ चलाई है जी. कि आर फिरोज एंड अलीजे सेपरेटेड. नोबडी नोज फॉर श्योर. यू आर वेरी क्लोज टू फिरोज, यू हैव बीन फ्रेंड्स विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव ऑन दिस मैटर? Hasan, I don't think A, that I'm privy to revealing any information just because I'm close to him. But what I will say that I attended Firoz's wedding, and I was one of the first few people to see his baby in the hospital and to meet Alize and Firoz when Sultan was born. I am very close to him. Aur jitna main Firoz ko janti hu na, Firoz is 110% a family man. जितनी इज्जत और प्यार वो माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी के साथ और बच्चे पे तो उसकी जान मतलब है कि बिल्कुल ही इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली को लेके ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. सो एट दिस पॉइंट आई मीन आई वुडंट पे हीड टू एनी रूमर्स एंड आई वुड वेट फॉर देम टू से समथिंग. आई नो हिम वेरी वेल एंड आई नो दैट कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, रोज भी नहीं है, उसमें भी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन जो भी हुआ है या नहीं हुआ, आई वुड वेट फॉर देम टू से इट. मोर सो बिकॉज देर इज़ अ चाइल्ड इन्वॉल्व नाउ. तो आप कोई भी स्पेकुलेशन करें कि जी सेपरेशन है, अगर नहीं है तो वो बच्चा कल को पढ़ के क्या सोचेगा कि ये रूमर्स क्यों थी. यू नो, यू हैव टू बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल. सो दैट्स अबाउट इट. आई थिंक अ वेरी फेयर पॉइंट. व्हाट डू यू थिंक? Raised by, I mean, Firoz does seem like a very kind-hearted person. आप अगर उनकी हम अभी recently बात करें कराची में जब बारिशें हुई और जो पूरा उन्होंने अपने Instagram पे वो गए और जिस तरह से उन्होंने concern show किया अपने शहर के लिए, अपने fellow citizens के लिए, आप तो कह रहे हैं ये तो obviously family का मामला है, ये जी बिल्कुल बीवी का मामला है, ये उनके बच्चे का मामला है. And we've seen his pictures with his son. नहीं, वो बहुत protective है. He's very protective and possessive about his family. He's very protective about his sisters and his parents, I mean his mother, his brothers, I mean बहुत ज़्यादा. I met him a couple of times. Very thorough gentleman. जी. Very sweet and like you know. कभी कभी उनकी फिरकी घूमती है, लेकिन ये कि मैं वो जब घूमती किसकी नहीं घूमती. बट ये मामला बड़े दूसरी तरह का. जी बिल्कुल. तो जैसे हमने कहा कि इसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए. अगर तो किसी के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो भी आपको जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके कंसेंट के बगैर शेयर नहीं करनी चाहिए. जैसे कि आमना के पास इन्फॉर्मेशन है, कंसेंट नहीं है, वो नहीं शेयर करना चाह रही. जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो उनका अपना ओपिनियन है, वो उन्होंने आपको बता दिया है. अब आप अगर रीड बिटवीन द लाइंस कर सकते हैं, जो कि मैंने कर लिया है, तो आप भी कर सकते हैं. बट बियॉन्ड दैट, आई मीन, and I want to say this about a lot of portals that are there on Instagram that are not as big or probably not as authentic. But even if आप कोई भी बात कर देते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि यार कि आपको कोई लाइक्स मिल जाएंगे, इस बात का जरूर प्लीज प्लीज सब लोग ख्याल किया करें. जैसे आमना ने कहा कि फैमिलीज इन्वॉल्व है और स्पेशली उनका बेटा इन्वॉल्व है, तो यार आप लोग कोई भी चीज चला देते हैं, लगा देते हैं, बिलीव मी, आप समझें कि यार कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है. उनकी फैमिलीज तक पहुंचती है चीज, उनके रिश्तेदारों एक्सटेंडेड फैमिली तक पहुंचती है चीज, तो वो अच्छा नहीं लगता जी. अब जैसे उर्वा फरहान के मामले में हमारे ऊपर भी बात है, हमने ट्रुथ अबाउट वो कर दिया जी. हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपसे शेयर कर दी. हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि सेपरेशन नहीं हुई. आप लोगों ने कहा कि जी आपने कॉन्ट्रडिक्ट किए ये बात कि बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो खबर नहीं चलाता. तो यही बात तो हमने की थी कि बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरह की खबर बगैर कंसेंट के नहीं चलाता, तो ऐसी क्या जरूरत आई कि ये खबर चलानी पड़ी एक बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू, ना कि आप खुद अनाउंस कर दें. तो ये एक अलग डिबेट है. बहरहाल बात का मकसद सिर्फ इतना है कि पब्लिकेशंस छोटी हों या बड़ी, आप सबको इन मामलात के बारे में थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए. आमना जी, एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू ऐड और से? नो, आई थिंक दैट्स ऑल देयर इज. एंड मैं भी बता दूं दैट आई लाइक यू एंड आई हैव सो मच इंफॉर्मेशन on celebrities. I mean, I know at least two other couples who you may hear about their separation very soon.
एंड इट हैपेंस ऑल द टाइम, या सेपरेशंस होके दोबारा शादियाँ जिनकी हुई हैं वो क्यों हुई, पहली क्यों टूटी, दूसरी शादी किसके साथ हुई, क्यों हुई, ये बहुत इंफॉर्मेशन है. लेकिन दिस इज़ ऑल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद अस इन कॉन्फिडेंस. We're not going to betray that confidence. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे फैंस का और व्यूवर्स का भी इंटरेस्ट समझ में आता है. Of course, absolutely. अपने फेवरेट कपल्स के बारे में, और अगर फिरोज और अलीज़े, नहीं, उनका पूरा हक है. और फिरोज और अलीज़े की भी जहाँ तक हम बात करें तो people are genuinely again very upset. Yeah, very concerned. और वही बात है ना, आपने जब आप Instagram के ऊपर या social media के ऊपर generally आप किसी happy couple को देखते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं बच्चों के साथ, तो over a period of time you feel connected to them even though you don't know them. तो celebrities के साथ तो ये और ज्यादा होता है, आप उनका काम इतना देखते हैं, आपको लगता है कि आप उनको जानते हैं, वो आपकी family का हिस्सा है. और जब इस तरह की कोई खबर उनके बारे में आती है तो there is a obviously एक sense of intrigue होती है. लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो perspective हमें समझ में आता है. बट जैसे हमने आप आमना से पूछा, अगर कोई information है वो जरूर आप शेयर करें, स्पेक्यूलेट ना करें. इतनी सी बात है. और कुछ आमना जी, आप कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे आज के हॉट बाइट्स में? नहीं, बस मेरे ख्याल में ये टॉपिक है. एक और टॉपिक के बारे में आपने बात करनी थी, काम की टाइम की किल्लत की वजह से हम नहीं कर सके. जी, चाहे वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम करेंगे. वो अगले हफ्ते एक आमना ने सोशल इशू अच्छा जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, वो क्या है वो आपको अगले हफ्ते पता चलेगा. कल ख्वातीनो हजरात, नाजरीनो हाजरीन, आप लोग देखेंगे जुमरात को, जैसे मैंने आपको बताया, सादिक का माय दुबई लाइफ विद सज्जल अली स्पेशल एपिसोड, जो सज्जल डियाफा अटेंड किया उन्होंने, वहाँ के रेड कार्ड वहाँ पे जो रेड कार्पेट के ऊपर उनकी इंटरेक्शन हुई है सादिक के साथ, वो जुम्मे को आप लोग देखेंगे द हॉट रिव्यू. हफ्ते और इतवार को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई मजे के इंटरव्यूज देखने को मिल जाए. और आमना को भी रिक्वेस्ट की हुई है कि वो भी रीच आउट करें अपने को. फोन मुझे कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहता, मैं क्या करूं? देना चाहते हैं आप? नहीं, हर बंदा कहता है वी'ड रादर गिव अ इंटरव्यू विद अस. ये कोई किसी ने नहीं बोला. मैं आपको मैं बताऊं किस किस ने कहा है? किसी ने कहा है जी? लोगों ने? किसी ने भी नहीं. लोग मुझे नहीं इंटरव्यू देना चाहते. देखे ना, आप ये बात आपना मुनासिब नहीं है, आप मुनासिब बात नहीं कर रही. आप अपने फोन को घुमाए और ये जो आपका नया आईफोन 12 प्रो शाइने मार रहा है वहां से बैठा बैठा, दिखा दो लोगों को यार. आप अपना क्यों नहीं दिखाते? मेरे पास तो कौन सा, ये ब्लैक फोन है मेरे पास. अच्छा, तीन कैमरा वाला. मैं तो एक कैमरा इसका ब्लॉक करने लगी हूँ. मेरा रंग बहुत गोरा आता है इसमें. मेरा रंग फटा हुआ है, मैं वैम्पायर लग रही हूँ. बहुत गोरा है, पिक्चर क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि मुझे अच्छी लग रही है इसकी पिक्चर क्वालिटी. काश कि ये वीडियो एप्पल ने स्पॉन्सर की हुई होती, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की. काश. और मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने कहा कि आप एनको के बगैर अधूरे अधूरे लगते हैं, तो अपनी एनके पहन लें. मेरे ख्याल में आप लोग यूज टू हो जाएंगे दो चार दिनों में एनको के बगैर, तो जाने दें. थोड़ा चेंज इज गुड, चेंज इज गुड, चेंज को एंजॉय क्या करें. शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको पता चले कि हम किन के इंटरव्यूज करने जा रहे हैं. थैंक यू. किन के इंटरव्यू हसन करने जा रहे हैं जी? हम दोनों किन किन के इंटरव्यूज करने जा रहे हैं. थैंक यू जी, एंड सी यू सून इंशाल्लाह.